हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। राज बायोस्कोप विचित्रा में मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में कर्टिस वीकलैंड, जो कि एक महान चित्रकार है, उनके द्वारा बनाई गई 20 ऐसे तस्वीरों को आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ, जो कि पति पत्नी के यादगार पलों को बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किए हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास और अनमोल होता है। एक स्त्री के लिए पत्नी और पुरुष के लिए पति बनने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये दोनों अलग अलग घरों से आकर एक नए घर का निर्माण और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं जिंदगी के सबसे खास और खूबसूरत पलों के साखी बनते हैं पति पत्नी के कुछ ऐसे ही शानदार पलों को हम 20 चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को एक लाइक दे दीजिए और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आगे भी पाने के लिए इसको एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कसमें वादे निभाएंगे हम, मतलब साथ साथ चलने की कसम। शादी से पहले अलग अलग रास्तों पर चलने वाले शादी के बाद साथ साथ चलने की कसम खाते हैं और उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। और दोस्तों, देखिए दूसरा तस्वीर, बात एक नई जिंदगी की शुरुआत। भले ही नया घर लेना हो, पति पत्नी खुशी से और पूरे दिल से घर का निर्माण या चुनाव करते हैं। साथ ही घर में हर छोटी बड़ी चीज़ों का रखते हैं। दोस्तों, साथ साथ काम करने का मज़ा कुछ और होता है। भले ही काम अलग अलग हो, लेकिन साथ बैठकर करते हैं और हर छोटे छोटे पलों के साथ एंजॉय करते हैं। साथ साथ ब्रश करना, दोस्तों भले ही ब्रश करना एक मामूली बात हो, लेकिन एक आदर्श पति पत्नी ये काम भी साथ साथ करना पसंद करते हैं। कि ये सभी चीज़ ही पति पत्नी के रिश्तों को खास बनाने का काम करती है। तो दोस्तों, महान चित्रकार द्वारा आंकी गई 5वें नंबर की तस्वीर स्पॉटलाइट को दर्शाती है। स्पॉटलाइट मतलब अपने अपने यादगार पलों को जिंदगी भर के लिए समेटे रहना। भले ही काम की व्यस्तता हो, पति पत्नी का रिश्ता स्पॉटलाइट में रहता है। वो अपने खास पलों को स्पॉटलाइट में रखना पसंद करते हैं। दोस्तों, 6 नंबर पेंटिंग में देखिए कैसे साथ साथ रिलैक्सेशन करने का एक अलग मज़ा है। एक आदर्श पति पत्नी के रिलैक्स करने का अंदाज भी सबसे अलग होता है। ना ही किसी का डर और ना ही किसी की चिंता। दोस्तों, 7 नंबर के तस्वीर में चित्रकार ने ट्रेस
दूर करने का एक अलग तरीका दर्शाया है। व्यस्त जिंदगी में स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई बड़े इंतजाम की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे को गले लगाकर सारी थकान और चिंता दूर हो जाती है। दोस्तों, 8वें नंबर की तस्वीर में हम देखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने में किस तरह आपस में मदद करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर एक कुछ ना कुछ विषय पर छुपा रुस्तम होते हैं, बस उनको चाहिए एक दूसरों का सराहना करना। जिंदगी में एक सही जीवन साथी मिल जाए, बस और क्या चाहिए। एक प्यार करने वाली जीवन साथी के सामने पार्टनर अपने छिपे टैलेंट को भी बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, 9 नंबर की तस्वीर में हम देखते हैं कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, शादी के बाद जिंदगी का सही मज़ा तभी है जब बिना किसी बड़ी ख्वाहिश लिए जो है उसी में खुश रहने का भाव प्रकट किया जाता है। 10 नंबर में है एक मजबूत साथ। भले ही आप बीमार पड़े या किसी मुसीबत में फंस जाए, आपको पता रहता है कि एक कंधा है जिस पर सिर रखकर आप अपने सभी दुखों और परेशानियों को भुला सकते हैं। 11 नंबर, एक सुरक्षित जगह। अगर पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह एक दूसरे के पास होने का एहसास भी होता है। 12 नंबर, गोद में उठाने का एहसास। पति के लिए पत्नी को गोद में उठाने का एहसास खास होता है। वहीं साथ जिस भरोसे के साथ पत्नी अपनी पति के साथ यह खास पल साझा करती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 13 नंबर तस्वीर में चित्र का बताना चाहते हैं कि बिना ज़्यादा सोचे हर काम कर डालना। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी सही परवरिश के लिए उन्हें अलग से वक्त भी देना होता है, ताकि वो बच्चे की बातों माता पिता समझ सके और अपनी बात उन्हें समझा सके। 14 नंबर, किस करना ना भूलना। सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे को हमेशा साथ होने के एहसास को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे को किस करना नहीं भूलते। 15 नंबर है बेड टाइम स्टोरी। प्यार को बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए दिन भर की अपनी कहानी बेड टाइम में एक दूसरे को जरूर सुनाएं। ये सच में सबसे खास पल होता है। 16 नंबर, माँ और पिता बनने का पहला एहसास। सच में यह एक दूसरे के लिए सबसे खास पल होता है। जब दोनों पहली बार माँ और पिता बनने का एहसास करते हैं। 17 नंबर, बच्चे होने के बाद भी हर चीज़ का आनंद उठाना। भले ही बच्चे हो जाए, पति पत्नी हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। 18 नंबर, बच्चों के साथ बाहर ट्रैवल करना। दोस्तों, यह भी सबसे खास
और यादगार पलों में से एक है जब पति पत्नी बच्चों के साथ एक साथ बाहर ट्रैवल के लिए निकलते हैं। 19 नंबर, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का काम भी पति पत्नी एक साथ करते हैं। और आखिरी में दोस्तों, बच्चों को समय देना। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी सही परवरिश के लिए उन्हें अलग से वक्त भी देना होता है, ताकि वो बच्चों की बातें माता पिता समझ सके और अपनी बात उन्हें समझा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाने कि महान चित्रकार ने कैसे 20 तस्वीरों के सहारे पति पत्नी के यादगार पलों को आपके सामने साझा किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आगे भी पाने के लिए मेरा ये चैनल राज बायोस्कोप विचित्रा को एक सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आरके सड़ंगी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।